आप सबको स्वागत है। कल का हमारा 14 अप्रैल का वरदान मिस हो चुका था, आज की उसकी रिकॉर्डिंग आप सुन पाएंगे, जिसमें परमात्मा पिता कहते हैं कि किसी चीज को भी अपनी साधना के बीच में मत आने दीजिए। साधना में क्या होता है, मैं आत्मा और मेरा परमात्मा हम आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, जैसे दोस्त हो गए, साथी हो गए, फ्रेंड हो गए, या जैसे कहा जाता है कि आपका कोई बेस्ट फ्रेंड हो गया एंड माशूक और आशिक, तो हम आशिक हो गए, वो हमारे माशूक हो गए। तभी कहता ना, तुमेव माता स पिता तुमेव, तुमेव बंधु सका साजन तमेव, मैं तुम्हारी सजनी और आप मेरे साजन। तो ये सारी चीज़ें गुरु ग्रंथ साहिब में भी लिखी हुई हैं, अनेक शास्त्रों में भी लिखी हैं, तो इन चीज़ों को हमें समझना है। तो कैसे हम साधनों को ना लेके आए, जैसे कि मोबाइल फ़ोन से आजकल क्या होता है, मोबाइल फ़ोन ना हो तो आपस में बातचीत नहीं हो पाती है। पहले खतों से बातें होती थी, 15-15, 20-20 दिन वेट करते थे, लेकिन आज मोबाइल फ़ोन में कोई रिप्लाई नहीं आया तो दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, क्यों नहीं किया, क्या नहीं किया, क्वेश्चंस आ जाते हैं, रिलेशनशिप्स में दरारें आ जाती हैं। परमात्मा इसी तरीके से कहते हैं कि मेरे और तुम्हारे बीच में एक कम्युनिकेशन है जो कि किसी मोबाइल फ़ोन के थ्रू तो होने नहीं वाला। तो हम मोबाइल फ़ोन को कैसे जरिया बना लेते हैं, हम मोबाइल फ़ोन को जरिया बना लेते हैं मेडिटेशन कमेंट्री सुनने के लिए, कोई हमें कमेंट्री कराए तो हम मेडिटेशन करें, कोई अच्छा गाना सुने तो हमारी मेडिटेशन हो, कोई बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा लगाए तो मेडिटेशन हो हमारी। ये सब क्या हो गए, साधन हो गए। तो साधन और साधना, साधन साधना में मिश्रण नहीं होना चाहिए। कहने करती है कि अगर आज के साधन आपके नहीं चले, कमेंट्री नहीं चली तो आपकी मेडिटेशन नहीं हुई अच्छी, आपको बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा नहीं मिला तो आपकी मेडिटेशन नहीं हुई। हम फोन जैसा भी हो, चाहे वो एप्पल का फोन हो, चाहे छोटा सा फोन हो विदाउट आपका कलर स्क्रीन के भी, उससे भी बात हो जाती है, राइट। कहने करती है कि आपको कुछ हाई फाई मीन्स नहीं चाहिए आपको मेडिटेशन करने के लिए, एक कम्युनिकेशन, टेलीपैथिक कम्युनिकेशन हो रहा है हम आत्माओं का परमात्मा के साथ में, अंदर ही अंदर बातें हो रही हैं, इसको कहते हैं सिमरन। लेकिन हम आजकल क्या करते हैं, हम बैकग्राउंड में म्यूजिक चाहिए, हमें अच्छी कमेंट्री चाहिए, कोई हमें अच्छे से मेडिटेशन करवा दे, कोई अच्छे से अच्छे सुंदर सुंदर वाक्य बोल दे तो मेरी मेडिटेशन हो। तो फिर ये कनेक्शन के बीच में आत्मा और परमात्मा के कौन आ गया, वो साधन आ गए। तो इस पर परमात्मा कहते हैं, साधना और साधन के बैलेंस द्वारा अपनी उन्नति करने वाले ब्लेसिंग के अधिकारी भवा। ब्लेसिंग कब मिलेगी, जब हमारा कनेक्शन होगा, लेकिन हम किसी और चीज़ के ऊपर आधार कर लेंगे, किसी और चीज़ पर डिपेंडेंट हो जाएंगे तो ब्लेसिंग कहाँ मिलती है, नहीं मिलती है। अगर आप अपने फैमिली के मेंबर्स को छोड़ करके किसी और को साथी संबंधियों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हो किसी चीज़ के लिए, तो आपके फैमिली मेंबर्स की ब्लेसिंग आपको नहीं मिलती है, मतलब कि आपको मदद नहीं मिलती है एक तरीके से, राइट। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं, साधनों को आधार बनाने के बजाय, जो साधन है जैसे लैपटॉप हो गया, या फिर फ़ोन हो गया, या लाइट हो गई, को आधार बनाने के बजाय अपनी साधना के आधार से साधनों को कार्य में लगाओ। साधना पहले, कि मैं डिटैच होकर के इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल करूं, तब मेरी साधना होगी। नहीं तो क्या हो गया, ओहो ये क्यों नहीं काम कर रहा है, अरे यार ऐसे नहीं करना चाहिए, इसको बोला था ना, ये सारी चीज़ें, मतलब क्या हुआ, आपकी साधना भंग हो गई। ये उफ ओहो ये सारी चीज़ें परेशान होना, ये डिपेंडेंट हो गए हम, इसका मतलब ये साधन जो है आज हमें ऊपर नीचे कर सकते हैं हमारी स्थिति को। तो परमात्मा कहते हैं, इसलिए किसी भी साधन को उन्नति का आधार नहीं बनाओ, नहीं तो आधार हिलने के साथ उमंग उत्साह भी हिल जाता है। फोन नहीं चला आज, मेडिटेशन कमेंट्री नहीं अच्छी हुई, आज इंटरनेट नहीं काम कर रहा था, आज फोन अटक रहा था बीच बीच में, गाने ठीक से नहीं चल रहे थे, ये सारे हमने बहाने बना दिए हैं परमात्मा से ना जुड़ने के। तो टेलीपैथिक कम्युनिकेशन कैसे होगा, हमारा अंतर्गत हमारा परमात्मा से मिलन कैसे होगा, हम बाहर के माध्यमों को इस्तेमाल कर रहे हैं अजप जप याद करने के लिए। अजप जप याद में क्या होता है कि हम चुपचाप मनी मन उनको याद करें, ना कि कोई भजन बजाने की जरूरत हो, ना कि कोई गीत बजाने की जरूरत हो, ना ही कोई कमेंट्री सुनने की जरूरत हो, बस अंदर ही अंदर वार्तालाप हो रही परमात्मा से, उस स्टेज सिंपल। हम करते भी हैं ये सारी चीजें, मैं इसको ये बोलूंगा, उसको जब मिलूंगा मैं ये बातें करूंगा, फिर हम डायलॉग होते हैं ना अंदर जो हम रिवाइज करते हैं अपने अंदर, उससे मिलने के बाद मैं ऐसे बातें करेंगे, फिर उसने ऐसे बोले तो मैं ऐसे, ये सारी चीजें परमात्मा से करनी है हमें। फिर परमात्मा कहते हैं, नहीं तो आधार हिलने के साथ उमंग उत्साह भी हिल जाता है, क्योंकि साधन और आधार बनाने से बाप बीच से निकल जाता, इसलिए हलचल होती है। परमात्मा भूल गए, साधन नहीं चल रहे, उफ ओहो आहा अरे क्यों ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसा करा, ये सारी चीज में फंस गए, तो बाप कहाँ गया उस समय, परमात्मा कहाँ गया, भगवान कहाँ गया, अल्लाह कहाँ गया, गायब हो गए। जाता तो हलचल होती है, क्योंकि साधन को आधार बनाने से बाप बीच से निकल जाता, इसलिए हलचल होती है। साधनों के साथ साधना हो
तो हर कार्य में बाप की ब्लेसिंग का अनुभव करेंगे। साधनों के साथ साधना भी हो तो हर कार्य में बाप की ब्लेसिंग का अनुभव करेंगे। यानी कि इन चीज को छोड़ देना है, ठीक है, इनको यूज किया लेकिन इन पर डिपेंडेंट नहीं हुए। उमंग उत्साह भी कम नहीं होगा ऑटोमेटिकली, उमंग उत्साह भी जो है वो कम नहीं होगा ऑटोमेटिकली। हम परेशान नहीं होंगे, उमंग उत्साह कम नहीं होगा, सारी चीजें जो हैं वो हैं, नहीं हुई यूज तो नहीं हुई, बहुत सिंपल बात है। तो ये चीजों को आप एक्सपीरियंस करें, इसको प्रैक्टिस करें, किसी दिन मोबाइल फोन ना चलाकर मेडिटेशन करें, किसी दिन कमेंट्री ना सुन करके मेडिटेशन करें, बिल्कुल साइलेंस में जाकर मेडिटेशन करें, पंखा ना चल रहा हो, एसी ना चल रहा हो, तब भी मेडिटेशन करने की कोशिश करें। मन शीतल तो तन शीतल, बहुत सिंपल सी चीज है। आपको ये प्रैक्टिस करने के लिए अगर आपको चाहिए तो आप ब्रह्म कुमारी सेंटर में आकर के सीख सकते हैं, सारी चीजें आपके पास है वो। ओम शांति।